कैंसर की चिकित्सा अब आयुर्वेदिक पद्धति से भी हो सकेगी। टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत का पहला आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल खोलने जा रही है। ये रिसर्च सेंटर मुंबई के खोपली में खुलेगा, जहां आयुर्वेद की मदद से कैंसर का उपचार किया जाएगा, साथ ही कैंसर पर रिसर्च भी होगा। लगभग 21 एकड़ जमीन पर 100 बेड की क्षमता वाला अस्पताल वर्ष 2026 तक तैयार हो जाएगा। रिसर्च सेंटर में कैंसर का कारगर इलाज करने वाली आयुर्वेद की दवाइयों को खोजा जाएगा। टाटा अस्पताल के कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट काफी खर्चीला है, साथ ही इसके भयंकर दुष्प्रभाव भी होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान कुछ मरीजों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे मुंह से खाना भी नहीं खा पाते। इलाज के दौरान वे काफी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन विडंबना है कि कैंसर का आज भी कोई कारगर उपचार संभव नहीं हो पाया है। इसलिए ऐसी दवाइयों को खोजने पर काम हो रहा है जो मौजूदा इलाज को बेहतर बना सके और कैंसर रोगियों पर वह असरदार हो। एक बार कैंसर की चपेट में आने से मरीज को उसका साइड इफेक्ट जिंदगी भर सहना पड़ता है। इतना ही नहीं, यह बीमारी दोबारा होने की संभावना भी होती है। इसलिए ऐसी दवा के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है जो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। फार्मास्यूटिकल कंपनियां आयुर्वेद पर काम नहीं करेंगी, इसलिए टाटा जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट को पहल करनी होगी। उन जड़ी बूटियों की खोज करनी होगी जो सदियों से इंसानों के लिए फायदेमंद साबित होती रही है। देश में पिछले कुछ वर्षों से आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे कितना फायदा होता है या इलाज में कितना मददगार है, इसको लेकर कोई भी साइंटिफिक पद्धति व रिसर्च डाटा उपलब्ध नहीं है। इसे अब तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। टाटा के आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल में बीमारी में काम आने वाली जड़ी बूटियों की खेती भी की जाएगी। इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई लगभग 20 से 21 एकड़ जमीन पर उसे उगाया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा। निरोग समाचार की रिपोर्ट।